यहाँ पे 10 से 11 दिन 12 दिन हो गए, अभी तक की मेरी गाड़ी में कोई सुनवाई नहीं है। आज का दिन मैं वेट कर रहा हूँ, अगर आज भी मेरी गाड़ी नहीं खाली हुई तो मैं सीधा आज कानूनन तौर पे गाड़ी का वापसी का भाड़ा और जो भी रहेगा चार्जेस मेरा मैं पार्टी से लूंगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 12 दिन से खड़ा ड्राइवर फिर अपनाया ये रास्ता कि पार्टी को उसी समय करनी पड़ी गाड़ी खाली। मैंने 13 तारीख को ये गाड़ी लोड कर ब्रेकेट्स का गाड़ी लोड करके अकोला से सिंदर नासिक के लिए आया था। आज 22 तारीख हो गया, मेरा गाड़ी अनलोड नहीं हुआ। मतलब आज तकरीबन मेरे को यहाँ पे 10 से 11 दिन 12 दिन हो गए, अभी तक की मेरी गाड़ी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब उन्होंने साफ मना कर दिए कि हमारे पास गाड़ी खाली करने के लिए जगह नहीं है। मेरा गाड़ी का 50,000 रुपये महीने का हफ्ता है। आप बता दीजिए 12-13 दिन में यहाँ खड़ा रहूँगा तो मैं क्या किस्ती निकाल पाऊँगा गाड़ी की? ये महीना पूरा निकल जा रहा है। अब आज का दिन मैं वेट कर रहा हूँ, अगर आज भी मेरी गाड़ी नहीं खाली हुई आज की तारीख में मेरी गाड़ी नहीं खाली हुई तो मैं सीधा आज पुलिस स्टेशन जाकर ये माल मतलब अकोला वापस लेकर चले जाऊँगा। कानूनन तौर पे जो ट्रांसपोर्ट रूल्स के हिसाब से जो कायदे कानून में बैठा है हल्टिंग और गाड़ी का वापसी का भाड़ा और जो भी रहेगा चार्जेस मेरा मैं पार्टी से लूँगा। अब अकोला जाने के बाद में मुझे ये सब अभी मैं FIR करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको ये सब इत्तला कर देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी पर से भी गुजारिश करूँगा कि मेरा वीडियो आप आगे से आगे शेयर करें। ये ड्राइवर है तनवीर पठान, जिसकी गाड़ी 11 अगस्त को अकोला महाराष्ट्र से नासिक महाराष्ट्र के लिए लोड हुई थी। गाड़ी 13 अगस्त को नासिक पहुंची हिंदुस्तान लिवर कंपनी में। ड्राइवर ने बताया कि वो 13 तारीख से 20 तारीख तक कंपनी में ही खड़ा रहा, लेकिन गाड़ी खाली करने का किसी ने नाम नहीं लिया। कंपनी वाले आजकल करते रहे, 8 दिन बीत गए पर गाड़ी खाली नहीं हो पाई। कंपनी ने कहा कि FDE कंपनी जाइए, वहां जाकर गाड़ी खाली हो जाएगी। 5 किलोमीटर दूर इस कंपनी में ड्राइवर आया, वहां 20 तारीख को ड्राइवर पहुंचा और 20 से 23 तारीख तक यानी कि और 3 दिन यहां ऐसे ही ड्राइवर खड़ा रहा। ड्राइवर ने तंग आकर वीडियो बनाई। 11 दिन से गाड़ी खड़ी है लेकिन कोई खाली करने के लिए राजी नहीं है। ड्राइवर ने वीडियो समय समय पर शूट की, पूरी कहानी बताई और हमें भी वीडियो भेजा। ड्राइवर ने कहा कि उसने पार्टी को फोन किया, ट्रांसपोर्टर को फोन किया पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। इतने दिनों से लोडेड ट्रक यूं ही खड़ा रहा। ड्राइवर ने कहा कि डीजल चोरी हो सकता था, लूट मार हो सकती थी। ड्राइवर का कहना है कि 50,000 तो EMI है, अब अगर हम 10 से 12 दिन यूं ही खड़े रहेंगे तो EMI कैसे भरी जाएगी। ड्राइवर ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, उसने कहा कि वो अब पुलिस स्टेशन जाएगा और कंप्लेंट दर्ज करवाएगा। ड्राइवर ने ये भी कहा कि माल किसी गोडाउन में खाली कर देगा और जब तक उसे भाड़ा और हॉल्टिंग चार्जेस नहीं मिलेंगे वो तब तक माल नहीं देगा। अगर ड्राइवर पुलिस की बात ना करता तो शायद पार्टी 11 दिन बाद भी माल खाली ना करती। ड्राइवर ने बताया कि वो पुलिस स्टेशन जाने ही वाला था पर तभी पार्टी का फोन आया और उन्होंने गाड़ी खाली करने की बात कही। इस मामले में ट्रांसपोर्टर से भी बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि हॉल्टिंग चार्जेस भी ड्राइवर को मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कब तक इसी तरह से ड्राइवर परेशान होते रहेंगे। 12 दिन से एक ड्राइवर खड़ा है लेकिन उसकी सुध लेने वाला, उसकी फोन उठाने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ ड्राइवर को हॉल्टिंग चार्जेस तो मिल गए हैं, लेकिन क्या मात्र हॉल्टिंग चार्जेस मिलने से ड्राइवर की गाड़ी की किश्त चली जाएगी, जो इतने दिन ड्राइवर ने यहाँ खड़े खड़े बर्बाद कर दिए? क्या उनका भुगतान ये हॉल्टिंग चार्जेस पूरा कर पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या विचार है। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।